हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं पटाखे लेने के लिए। भाई बहुत दिन से ना बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मा हमें पटाखे लेने हैं। क्या है ना, इन्होंने वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद ना बस हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो यार अब क्या करें, अब बच्चों की तो माननी पड़ेगी ना। तो चलो आज हम लोग पटाखे लेके आते हैं। गाड़ी में बैठते भाई, हमारा तो हो गया खाना पीना शुरू। अब हम मस्त खाना पीना खाते हुए जाएंगे आराम से। ये देखो कितनी हरियाली है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे मन कर रहा है बस यही रह लूं मैं तो इतनी हरियाली में। तो मैं देखो भाई कितना पानी भर रहा है, तालाब बन गए यहाँ तो खेतों में। ऐसे मन कर रहा है इसके अंदर नहा लो। ओए बगुले भी है यहाँ पे तो, देखो कितने बड़े बड़े चोंच वाले। देखो वो रोक लेना थोड़ा सा, देखने दे हमने। वो देखो एक कितनी बड़ी चोंच वाला है पीछे था। चल ना राजू, वो कोई कोई उड़ गए। हां देखा उसे देखा, जिंदगी में देखे ही नहीं हमने भाई। वो पता नहीं कहां उड़ रहा, इतने बड़े बड़े वो रखे हैं। देखो धान बारिश और हुआ, धान वान का पानी भर के टूट गया थे ये रोड। ओहो अभी इतनी बारिश हुई ना यहां, आगे मेन रोड आ जाएगा थोड़ा गया। वो दिल्ली की बिल्डिंग दिख रही है ना अभी आपको, हट तक छो। ये देखो यार आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये तो डोरेमोन का है बिल्डिंग, डोरेमोन की बिल्डिंग, डोरेमोन का तो इस बिल्डिंग में। यो के है ये डंडा है के मार के खतर लेवे। तो यो आई सी ले लेने के लिए स्पाइडरमैन तो ऐसी तो हम। और बता तू डेविड है, हमने ये वाले ले लिए हैं। तो ये सारे हमारे हैं, आयुष तक सभी भी लगे हुए हैं और योगी भी। हम इस बार ना बहुत सारे पटाखे लेके जाएंगे। तो भाई यूपी दिल्ली में तो बैन है, तो हरियाणा में ही लेने आना पड़ेगा आपको लेने है। तो भाई हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो देखो कितने सारे पटाखे हैं भाई, आगे भी इतने ही पटाखे और पीछे भी इतने पटाखे। तो हम भाई हम लोग लेके आए बिल्कुल भर भर के पटाखे ही पटाखे। जाते टाइम ये देखो कैसे मस्ती कर रहे थे और अब आते टाइम ये देखो स्लीपिंग। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। तो भाई पटाखे लिए थे हमने, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो हमारी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं अभी फ़िलहाल घर जाके खाना बनाने की। तो हमने सोचा चलो हम लोग यहीं पे रुक के कहीं खाना खा लेते हैं। तो हम खाना खा के फिर घर जाएंगे, फिर मैं आपको पटाखों की वीडियो दिखाऊँगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मैंने चाय छोड़ दी ना, इस वजह से भी तो हो रहा है, कुछ तो उस वजह से भी है। तो भाई हमारा ऑर्डर आ चुका है, जल्दी से खा के डोसा और हम जाएंगे घर। तो ये देखो ये क्या है, पटाखे। तो भाई अब हम इनकी करेंगे अनबॉक्सिंग और हम देखेंगे कि किस बॉक्स में कैसे पटाखे निकलते हैं। मैं तो एक छुटाऊंगी भी। एक छुटा लेना। हमने आयुषी दक्ष के लिए भी लिए हैं पटाखे, लेकिन हमने लिए हैं ये वाले। ये देखो ये वाले, तो हमने ये लिए है आयुषी दक्ष के लिए, दो बॉक्स लिए पूरे के पूरे दो, एक ये रहा और एक ये रहा। अभी बताओ इसके अंदर कैसे हैं, देखो अभी दिखाते हैं मैं आपके अंदर। ये देखो ये है पॉप। तो इसमें क्या है ना, बच्चे के हाथ जलेंगे ना कुछ और ना ही इससे पॉल्यूशन होगा। तो इससे बच्चे आराम से इसको छुटा सकते हैं, है ना दक्ष? हाँ इसको मतलब ऐसे छोड़ सकते हो, इसमें तो कोई दर्द नहीं रहता बेटा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। हाँ तो पोप लिखा है तो इसमें जलने वाला कुछ भी नहीं होता। ये इसीलिए आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं। ये तो ये फुलझड़ियां हैं, फुलझड़ी अभी ट्रायल के लिए बस एक एक निकालेंगे, ठीक है? ये वाली पतली और ये क्या, हाँ मुझे समझ नहीं आ रही। ये फुलझड़ी है, ये भी इसके अंदर बड़ी फुलझड़ी है। इसके अंदर आती है, इसके अंदर 5 फुलझड़ियां हैं। ये 10 है, 10 बच्चों के मजे हो गए। मुझे लग रहा दिवाली से पहले ही सारे खत्म हो जाएंगे ये, है ना आयुषी? पर ये छुटाने के लिए नहीं है, मम्मा ने पहले ही बता दिया तुम्हें, ठीक है? तुम्हारे लिए ये पॉप्स आए हैं, ये पॉप वाले सिर्फ ये छुटाने हैं, ये वाले सिर्फ मम्मा ही।
ये सिर्फ मम्मा छुटाएगी और ये गोलू मामा की शादी के लिए लेकर आए हैं। ये पापा हमारे फुलझड़ी जैसे। हाँ फुलझड़ी वगैरह ले लेना, एक आधा जैसे तुम्हारे लिए वो हेलीकॉप्टर वाला लेके आए हैं वो, ठीक है ना। चरखी हो गई, ये एक दो दो तीन पटाखे हैं तुम्हारे लायक, वो तुम लोग छुटा सकते हो, बाकी और नहीं, ठीक है। और ये पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्रैक्स जैक, ये इसके अंदर स्नैक है क्या, ये कब से पटाखे हैं भाई, इसमें तो खाने पीने का आया है कुछ, खाने वाले हैं क्या ये, ये देखो इसके अंदर ये क्या है, ये देखो ये इसमें आइसक्रीम सी छपी हुई है, खोलने के बाद देखते हैं भाई इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इनमें से कैसे क्या पटाखे निकलते हैं। तो भाई देखो ये अपने अपने पटाखे लेके बैठ गए हैं, अभी योगी आएंगे ना फिर हम इनको ऊपर छोड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है, हम इन्हें अभी छुटाने वाले हैं और टेस्टिंग करेंगे, हम देखते हैं कौन सा अनार बम अच्छा है, कौन सा बम अच्छा है और कौन सी फुलझड़ी अच्छी है, ठीक है, किसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है। हाँ इतना क्यों बोलता है तेरा मुंह, भाई तेरे हाथ में फूट जाएगा ये, ठीक है। हाँ मैं फोड़ूंगी, ठीक है ना। इस पे एक रॉकेट है, उस रॉकेट पे तेरे को बैठा के और मैं पीछे से आग लगा के उसको छोड़ दूंगी, ठीक है। और क्या, ऐसे ही उड़ाऊंगी मैं, देखिए जैसे ये लड़की उड़ रही है ना इस रॉकेट पे बैठ के, ऐसे ही मैं तुझे इस पे बैठा के और तेरी बुआ के घर भेज दूंगी। अब क्या उड़ता ही रहेगा, तुझे रॉकेट पे थोड़ी बिठाया मैंने, अभी रॉकेट पे बैठी है फिर उड़ियो। हाँ ये एक लेना है, लाल ले लिया तो लाल ही। कितनी मस्ती आ रही है इनके अंदर, ये देखो कितने खुश हो रखे हैं भाई पटाखे आने के बाद। यार ये लोग सही में पराली वगैरह इतनी जला के है ना, इतना पोल्यूशन कर देते हैं, उसकी वजह से है ना बच्चे एंजॉय भी नहीं कर पाते। पहले के टाइम में इतने अच्छे से दिवाली मनाते थे क्योंकि साल भर का त्योहार है और सब इंतजार करते हैं भाई दिवाली कब आएगी और कब हम बम पटाखे छुटाएंगे। लेकिन है ना हर बार क्या होता है, दिल्ली में पटाखे बैन हो जाते हैं और हम लोग छुटा ही नहीं पाते उस टाइम पे, और हमें है ना फिर हरियाणा में जाके हम लोग वहां पटाखे छुटाएंगे, तो दिल्ली में तो भाई बैन हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे अपने मैं है ना दक्षु दादा दादी के घर जाएंगे, वहां पे खूब छुटाना पटाखे, वहां पे छुटा सकते हैं। मजा आएंगे है ना, दादा दादी घर चलेंगे हम लोग दिवाली पे, और क्या वहीं पे छुटाएंगे पटाखे, यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं होते, क्या करेंगे, यहाँ पे जिम्मी भी मिलेगी हमारी वहाँ पे है ना, वहीं पे छुटाएंगे, वहीं पे दिवाली मनाएंगे, यहाँ पे तो एंजॉय ही नहीं कर पाते यार। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और मैं इन पटाखों का फीडबैक दूंगी आपको और इनकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगी। बाय गाइस, गुड नाइट।